तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए साइंस से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 26। दोस्त जैसा कि आपको पता है कि अभी जो चल रही है वो 11th का बायोलॉजी चल रहा है, किसके लिए? तो एएलपी और टेक्निशियन ग्रेड 3 के लिए चल रहा है। दोस्त इस 11th के बायोलॉजी से और ये आपका सेट जो 26 है इसमें 20 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए क्या करते हैं कि ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं जो 26 में 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं उससे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे दिया है कि फेफड़ों द्वारा हमारे शरीर में से निम्नलिखित में से किसे एक बड़ी मात्रा में क्या होता है कि बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला क्या दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, या दूसरा नंबर H2O यानी कि जल को निकाल दिया जाता है, या तीसरा कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को निकाल दिया जाता है, या चौथा कह रहा है आपको अमोनिया को निकाल दिया जाता है। देखिए जब श्वसन हम करते हैं तो फेफड़ों के द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है श्वसन होता है, हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनता है। तो हम क्या करते हैं सबसे बड़ी मात्रा में श्वसन के द्वारा किसको निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा सबसे बड़ी मात्रा में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दे दिया है कि मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है, ये इसमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें दे दिया है क्या क्या दे दिया है, 6.5 दे दिया है, 7 दे दिया है, 6 दे दिया है और 7.5 दे दिया है। तो मानव मूत्र का पीएच वैल्यू होता क्या है, देखिए आपको हम बताते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो दोस्त ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पीएच वैल्यू 6। लेकिन ध्यान रखिए कि ये पीएच वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ये क्या होता है कि चेंज होते रहता है। ठीक है, इसका रेंज चेंज होता रहता है। वैसे किसके बीच में रेंज होता है ये जान लीजिए, 4.5 से लेकर के 8.2 के बीच जो है मानव मूत्र का पीएच वैल्यू का रेंज जो है होता है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है, कभी अम्लीय हो सकता है, कभी क्षारीय हो सकता है, वो आपके डिपेंड करता है खान पान पे, वो आपके खुराक पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप भोजन कैसा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि पीएच वैल्यू क्या होगा क्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि रक्त में यूरिया के संचय की स्थिति को क्या कहा जाता है। ठीक है, रक्त में अगर यूरिया संचय हो रहा है तो उसकी स्थिति को क्या कहेंगे, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए आपका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं कि ये थर्ड नंबर होगा, क्या, यूरेमिया। यूरेमिया कहते हैं, अगर रक्त में क्या होगा यूरिया संचय होगा तो उसे यूरेमिया कहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब जान लीजिए इसके बारे में, कभी कभी ये जो है पूछा भी जाता है कि अगर मान लीजिए कि रक्त में यूरेमिया हो गया, अगर इसका इलाज अगर ढंग से न किया जाए तो ध्यान रखिए कभी कभी आपका गुर्दा जो होगा वो गुर्दे से ही निकलता है, तो गुर्दा आपका क्या हो सकता है कि खराब हो सकता है, इसलिए क्या होता है कि समय पे इलाज करवा लिया जाता है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि घुटना का जोड़ जो होता है सो, केहूनी का जोड़ जो होता है सो, वो किसका उदाहरण है, इसमें से ये बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या दे दिया आपको कि सैंडल जोड़ का उदाहरण है, या बॉल सॉकेट होता है उसका उदाहरण है, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है क्या कि पीबट जोड़ का उदाहरण है, या हिंज जोड़ का उदाहरण है। तो घुटने का जोड़ और केहूनी का जोड़, पैर में जो घुटना होता है वो हाथ में केहूनी होता है, सो दोनों का जोड़ जो होता है वो किसका उदाहरण है, हिंज जोड़ का है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, हिंज जोड़। ठीक है, अब समझ लीजिए कि इसी हिंज जोड़ के मदद से क्या होता है ना कि हम किसी हाथ को मोड़ पाते हैं, या पैर को मोड़ पाते हैं, या सीधा कर पाते हैं, या किसी वस्तु को उठा पाते हैं, या पकड़ पाते हैं, या आसानी से दौड़ पाते हैं इसी हिंज जोड़ के मदद से। तो ध्यान रखिएगा पूछे जाते हैं ऐसे सवाल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी का विकार नहीं है, यानी हड्डी से संबंधित बीमारी नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला देखिए गठिया, गठिया भी क्या होता है ना कि हड्डी से ही संबंधित बीमारी होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ये भी हड्डी से बीमारी है, ये भी, तीसरा है, चौथा आपका जो है हड्डी से बीमारी नहीं है, क्या, एंथ्रोक्लोरोसिस दे दिया है, ये हड्डी से उत्पन्न विकार नहीं है, हड्डी से संबंधित बीमारी नहीं है। ये किससे संबंधित है, ध्यान रखिए ये धमनियों से संबंधित है। क्या होता है ना कि धमनी जब मोटा और सख्त हो जाता है तो ये एंथ्रोक्लोसिस ही उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अंदरूनी होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, तो इसको समझिए ये धमनी से है ना कि हड्डियां से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि सिनेप्टिक जंक्शन
पर निकलने वाले कह दिया है कि रसायन को क्या कहते हैं। जी हाँ, सिनेप्टिक जंक्शन होता है शरीर में, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, क्या उसे हार्मोन कहते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, या तीसरा नंबर दे दिया है कि मस्तिष्क मेरु द्रव ये होता है या लसिका होता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि सिनेप्टिक जंक्शन पर जो रसायन निकलते हैं दोस्त, उसको ये सेकेंड नंबर क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपको हम बताते हैं कि सिनेप्टिक जंक्शन जो होता है ना, यह दो क्षेत्र जहां प्लाज्मा झिल्ली होता है वहीं पे बनता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि एक दरार होता है, वहीं से सिनेप्टिक जंक्शन से रसायन स्त्रावित होता है, उसी रसायन को आपको जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मस्तिष्क में वह क्षेत्र जो मजबूत भावनाओं से जुड़ा होता है वह क्या है। ठीक है, क्या आता है, मजबूत भावनाओं से, सेंटीमेंट से जुड़ा होता है अपने मस्तिष्क में, तो वह होता कौन है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है या सेरिब्रम्स, ये दे दिया है, या आपको तीसरा नंबर आपको ये दे दिया है कि लिम्बिक सिस्टम दे दिया है, या चौथा मेडुला दे दिया है, क्या है जो भावनाओं से, सेंटीमेंट से जुड़ा होता है, जो आप रोते हैं, हंसते हैं या मुस्कुराते हैं, उसी से जुड़ा होता है, सेंटीमेंट से। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है अपने मस्तिष्क में, वो भावनाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, किसी भी इंसान को दुखी देख करके दुखी होना या खुशी देख करके खुशी होना, ये एक क्या होता है ना कि अपने अंदर ये लिम्बिक सिस्टम होता है, उसी के वजह से ये भावना अपने अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि रोडोप्सिन में मौजूद कहता है कि विटामिन को चिन्हित करना है कि कौन सा विटामिन होगा। तो पहले तो हमको ये जान लीजिए कि रोडोप्सिन आखिर होता क्या है और कहां पाया जाता है, तभी तो हम बाद में विटामिन की चिन्हित करेंगे कि उसमें कौन सा विटामिन जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि रोडोप्सिन जो कहा जा रहा है दोस्त, रोडोप्सिन जो होता है वो अपने आंख में होता है, एक तरह से जैविक रंजक होता है जिसको बायोलॉजिकल पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, वो आंखों में होता है, जो आंखों में क्या होता है कि रेटिना के रड की जो सेल्स होती है उसमें पाई जाती है, रेटिना के सेल्स में। अब मान लीजिए कि आंखों में जो अगर दिक्कतें होगी तो वो किस वजह से होगी, वो विटामिन ए की वजह से होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा फर्स्ट नंबर, विटामिन ए। रोडोप्सिन में कौन सा मौजूद होगा, विटामिन ए मौजूद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि मानव नेत्र गोलक में तीन परतें होती हैं और वह कौन कौन परतें होती हैं, इसमें से ऑप्शन चुनना है हमें। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि मानव नेत्र में तीन परतें जो होती हैं, पहला देखिएगा तो वो लेंस होगा, जो द्रव का ही बना होता है, जो उत्तल लेंस की तरह काम करता है अपने मानव नेत्र में। ठीक है, तो एक तो नेत्र होता है, उसके बाद जलीय द्रव होता है, कच्चाव द्रव होता है, तीन होते हैं जो अपने नेत्र गोलक में परत के रूप में पाई जाती है। तो ऑप्शन मेरा करेक्ट कौन सा होगा, ये सेकेंड नंबर होगा। ठीक है, लेंस, जलीय द्रव और कच्चाव द्रव, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, यह है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि कान की नली में मौजूद मोम ग्रंथि को क्या कहा जाता है। जी हाँ, मोम की तरह ग्रंथि होता है कान के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, यही इसमें पूछा जा रहा है सवाल में। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि कान के अंदर जो मोम रहता है, मोम ग्रंथि जो रहता है, उसको बसामय ग्रंथि कहते हैं या सेरुमिनस ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेरुमिनस ग्रंथि या बसामय ग्रंथि कहते हैं। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए इस चीज को कि बसामय ग्रंथि या सेरुमिनस जो ग्रंथि होती है वो किस तरह की ग्रंथि होती है, यह जान लीजिए। तो अपने कान के अंदर, ठीक है, ये मोम की तरह ही होती है, जो मैल एक तरह से कहिए सेरुमेन ग्रंथि का निर्माण करती है, ये क्या होता है ना कि एक मोम की तरह ही होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि कीटाणुओं से बचाने में क्या करता है कि मदद करता है, और कान के पर्दे को, अंदर जो पर्दा होता है कान को, उसको रक्षा करता है ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सुनने के लिए जिम्मेदार आंतरिक कान का हिस्सा बताना है कि कौन सा होता है, जो हम लोग सुनते हैं तो वो किसकी मदद से सुनते हैं, वो इसमें कौन है जो जिम्मेदार है हमें सुनने के लिए, कान का आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट। ठीक है,
तो आपको हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर क्या दे दिया, कोक्लिया। कोक्लिया जो होता है ना दोस्त, वो सुनने में क्या करता है, हमारे कान को काफी मदद करता है सुनने के लिए, यही जिम्मेदार होता है कोक्लिया। ठीक है, अब कोक्लिया होता क्या है ये जान लीजिए दोस्त। आप कान के संरचना को अगर देखे हुईगा तो घोंघे जैसा आकृति होता है, घुमावदार होता है वो, तो उसी को कोक्लिया कहते हैं। कान के आंतरिक भाग में होता है ये, ठीक है, वही सुनने में क्या होता है कि हमें मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कॉर्टिक्स अंग एक संरचना है। कॉर्टिक्स अंग क्या है कि एक संरचना है जो मौजूद होता है, कहां मौजूद होता है, तो ये कोक्लिया में ही मौजूद होता है। जो आपको बता दिए कि घोंघे जैसा संरचना गोल गोल होता है, उसी में आपका कोक्लिया मौजूद होता है, और उसी कोक्लिया के एक जो है कॉर्टिक्स जो है एक अंग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोक्लिया में ही पाया जाता है, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कोक्लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता देते हैं, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अधिक ऊंचाई पर जब यात्रा करते हैं तो लोगों को क्या होता है कि कानों में दर्द होने लगता है, या कभी कभी क्या होता है कि चक्कर आने लगता है, तो ये कान के कौन से भाग को प्रभावित करता है, कौन सा भाग इससे जो है प्रभावित होता है, अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं तो हमें यह समस्या होती है। तो आपको हम बता देते हैं कि दोस्त ये थर्ड नंबर, क्या ये थर्ड नंबर दे दिया है कि यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है सो यूट्रिकल सेक्यूअल दे दिया है, उसके बाद आपका अर्धवृत्ताकार जो है नलिका जो होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है इसी के वजह से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ये अगला क्वेश्चन, आपको क्या कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दे दिया है कि अग्र पिट्यूटरी द्वारा जो है क्या होता है कि स्त्रावित नहीं होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जा होता है ना अपने अंदर, तो उसमें कौन सा हार्मोन जो है स्त्रावित नहीं होता है, तो आपको हम बता देते हैं कि देख लीजिए इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 6 तरह के हार्मोन को स्त्रावित करती है। ध्यान रखिएगा कितने तरह के, 6 तरह के हार्मोन को स्त्रावित करता है, लेकिन इसमें से एक ऐसा हार्मोन है जिसे वो स्त्रावित नहीं करता है। वो किसे नहीं करता है देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि ये थर्ड नंबर ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है उसको स्त्रावित नहीं करता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ 6 तरह के कौन कौन हार्मोन को जो है स्त्रावित करता है थोड़ा समझ लीजिए। पहला हार्मोन जो होता है वृद्धि हार्मोन, जो आप ये फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं, तो इसे स्त्रावित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि प्रोलैक्टिन करके होता है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन होता है तो 6 हार्मोन स्त्रावित करते हैं, लिस्ट आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ये सारे क्या है कि 6 हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड स्त्रावित करता है, सिर्फ किसे नहीं करता है, ये थर्ड नंबर को स्त्रावित नहीं करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मैरी एक साक्षात्कार का सामना करने वाली है, मतलब कि एक इंटरव्यू में जाने वाली है, और इंटरव्यू में जाने से पहले ही क्या होता है कि 5 मिनट के दौरान उसे क्या होता है कि पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सांसें बढ़ जाती है, श्वसन दर तेज हो जाती है, अक्सरहा होता होगा, आप लोग भी अगर इंटरव्यू में जाते होंगे तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अचानक की आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दिल की धड़कनें पसीना वसीना आना शुरू हो जाता है, तो वो किस वजह से आता है, उस समय कौन सा हार्मोन हमारे शरीर से रिलीज होता है जिसकी वजह से ये सभी होना शुरू हो जाता है। तो आपको हम बताते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर से उस समय क्या होता है कि रिलीज होता है और हमें घबराहट, पसीना और क्या होता है कि श्वसन दर तेज हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है कि हार्मोन एक क्या है कि रासायनिक संकेत कहलाते हैं, हार्मोन जो होते हैं इसको। ठीक है, तो विशिष्ट लक्षण बताना है उत्तक का जो उत्तेजित करते हैं क्या कि हार्मोन, उत्तक प्रोटीन जो हार्मोन है उसको, रिसेप्टर का स्थान मतलब कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको हम बताते हैं कि विशिष्ट जो लक्षण जो उत्तक को उत्तेजित करते हैं वो प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं उसके मामले में मिलने में आपको बताते हैं कि रिसेप्टर का सही स्थान जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होता है। ये थर्ड नंबर क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये अगला क्वेश्चन दे दिया है कि सामान्य नींद, जब आप नींद में रहते हैं सामान्यतः, तो उसके बाद क्या होता है कि नींद कभी कभी आपको अचानक खुल जाती है या टूट जाती है, तो उस समय वो कौन सा हार्मोन जो है रिलीज होता है आपके शरीर से जिसकी वजह से नींदें खुल जाती है या जग जाते हैं आप नींद से। ठीक है,
तो ये है सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको हम बताते हैं कि उस समय जो हार्मोन रिलीज होती है दोस्त, ये थर्ड नंबर रिलीज होती है, क्या? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो सोने के बाद जब आप जगते हैं तो जगने के पहले ही ये हार्मोन क्या होता है कि रिलीज होता है, फिर हम क्या होते हैं कि जग जाते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये हार्मोन जब आपको नींद आने लगती है ना, तो ये ज्यादा मात्रा में स्राव होने लगता है, जिससे क्या होता है कि आपको नींद आने लगता है। जैसे ही लाइट वाइट आता है तो क्या होता है ना कि आपको नींद टूट जाती है, तब उस समय क्या होता है कि लाइट के उपस्थिति में ये हार्मोन क्या होता है कि कम रिलीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही लाइट पड़ता है रिलीज इसका जो है अपने अंदर से जो होता है वो कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये नींद टूट जाती है हमें। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कॉर्टिसोल दे दिया है कि कॉर्टिसोल किस ग्रंथि का स्त्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्त्राव होता है ये बताना है। कॉर्टिसोल जो है सो, ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि कॉर्टिसोल जो होता है वो अधिवृक्क का भाग होता है, अधिवृक्क से ही क्या होता है कि स्त्रावित होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दे दिया है कि लेडिंग कोशिकाएं हार्मोन का एक समूह उत्पन्न करती है जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो लेडिंग कोशिकाएं जो होती है वो हार्मोन का एक समूह उत्पन्न करती है, उसे जो कहते हैं दोस्त एंड्रोजन कहते हैं, ये एंड्रोजन कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, यह है अपना लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है इसमें कि इसमें कह रहा है क्या थाइमोसिन दे दिया है कि थाइमोसिन किसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थाइमोसिन जो होता है दोस्त वो जिम्मेदार जो होता है वो टी लाइपोसाइट्स को अलग करने के लिए जिम्मेदार होता है, टी लाइपोसाइट्स के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, टी लाइपोसाइट्स को अलग करने के लिए थाइमोसिन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। ठीक है दोस्त, इस सब का ही अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां टेलीग्राम क्या कीजिएगा कि ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहीं पे जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा, अभी तक ही आज ही तक लिंक एक्टिव है, इसके बाद कल नया लिंक दिया जाएगा, तो उससे पहले क्या कीजिए कि जाकर के टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, जय हिंद दोस्तों।